भागलपुर के समीक्षा भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण हेतु किसानों के साथ जिला स्तर पर विचार विमर्श एवं उनके सुझाव की संकलन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा की गई। कार्यशाला में कृषि रोड मैप के तहत चलाए जा रहे योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, किस प्रकार की खेती करने से किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों को क्या परेशानी आ रही है, इन सब बातों पर चर्चा की गई। किसानों के द्वारा दिए गए सुझाव को भी जिलाधिकारी ने सुना। किसानों को होने वाली परेशानियों का निवारण किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से उन्होंने बताया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं शिक्षा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं अन्य अतिथियों द्वारा खुले आसमान में गुब्बारा उड़ाकर किया गया। जिला स्तरीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 में जिले के 16 प्रखंडों के लगभग 2100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल की प्रतियोगिता कराई गई। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता खेलने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतियोगिता के संचालन हेतु कई उप समितियों का गठन किया गया था। प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित हुई थी, जिसमें 2 कबड्डी, 2 खो खो, 2 फुटबॉल मैदान, 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक एवं एथलेटिक्स की सारी विधा का खेल मैदान तैयार कराया गया। उद्घाटन सत्र में सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया, जिसमें माउंट कार्मल स्कूल के बच्चों की बैंड आकर्षण का केंद्र था। वहीं किलकारी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और स्काउट गाइड के बच्चे ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे SDM धनंजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के चहुंमुखी विकास का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल, संगीत, नृत्य, पेंटिंग ही क्यों ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना है कि बच्चे खेल में भी अपना नाम रोशन करें और बिहार को खेल में भी अपनी एक अलग पहचान दिलाएं। रंग जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है उसका आयोजन आज से शुरू हुआ है और आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल जो है बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव माहौल है और ये आगे चलेगा। सारे जो कार्यक्रम हैं, जितनी विधाओं में कंपटीशन होना है वो कंपटीशन आयोजित होगा और इसमें जो बच्चे, लड़के, लड़कियां सेलेक्ट होंगे वो फिर प्रमंडल स्तर पर और उसके आगे फिर राज्य स्तर पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी शुभकामना है और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को। एक तरफ जहां कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर लोजपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार संभलने वाला नहीं है, वो बौखला गए हैं, वो काफी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक उसी तरह उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री के विनाश का समय आ चुका है, इसलिए शराबबंदी कानून अब सफल होने वाला नहीं है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वहीं लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग भी की है। देखिए, कहते हैं आवत काल विनाशय बुद्धि, ये मुख्यमंत्री जी का जो है विनाश का समय आ चुका है, इसलिए शराबबंदी कानून जो उन्होंने निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास उनका अब सफल होने वाला नहीं है। आज 40 लोग के मौत के जिम्मेवार आखिर कौन है? अब प्रयास करने का समय भी नहीं है। वो दो में से एक चीज़ करें कि कानून व्यवस्था को सुधार करें। कानून व्यवस्था जो उनका आए दिन एजेंट का काम कर रहे हैं उस पर वो रोकथाम ठीक से करें, नहीं तो इस पर मंथन करें कि शराबबंदी कानून कहाँ तक सही है। नहीं नहीं, देखिए क्या है ना, वो हंगामा करते हैं, होते हैं क्या कि अगर कोई बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते हैं और बच्चे अगर सही से नहीं होमवर्क करते हैं तो अपने गार्जियन के पास से झल्ला जाते हैं। आज विधानसभा के अंदर जो उनका झलझलाहट है, उनका झलझलाहट नहीं है, वो नाकामी चीख चीख के कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश प्रदेश नहीं संभल रहा है, राज नहीं संभल रहा है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर अब नहीं रहना चाहते हैं, हम खुद दूसरे को देकर भागने के चक्कर में लगे हुए हैं।
और बिहार में उनका जो है अब कोई कार्य धरातल पर नहीं दिखता है। हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी से महामहिम से आग्रह करते हैं कि इनको कोई भी सूरत से जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगावें और ये बिहार इनसे नहीं संभल रहा है। क्या लगता है कि जो अभी जो मौत का जिम्मेवारी आज तक मुख्यमंत्री जी लिए हैं, बहुत से मौतें ऐसी हुई, हमारे विधानसभा के अंदर भी मौतें ऐसी हुई जो कहते हैं कि उसके पदाधिकारी कहते हैं कि कोई जहर पी लिया, कोई ये सांप काट लिया और उसको ढकने का काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक ढकिएगा? ठीक है, उनका कहना है कि जो पिएगा सो मरेगा, ऐसे आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, राजा का काम यही नहीं होता है, राजा का काम वो प्रजा उसके जो है सही रास्ते पे चले, उसके लिए उचित कदम जो होता है वो उठाना पड़ता है, और आप अगर उचित कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो आप राजा कहलाने लायक नहीं है, आप मुख्यमंत्री कहलाने लायक नहीं है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग की छात्र छात्राएं पिछले कई माह से परेशान हैं और विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई यहां नहीं है। दरअसल स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग की पार्ट टू का फॉर्म भरने का डेट विश्वविद्यालय की तरह 19 दिसंबर तक रखा गया है। वहीं छात्रों का कहना है कि पार्ट वन की परीक्षा में इन्हें फेल कर दिया गया है, जिसके बाद ये लोग कुलपति से मिले थे, जिसके बाद कुलपति ने आश्वासन दिया था कि कॉपी की पुनः जांच कराई जाएगी और उसके बाद रिजल्ट बताया जाएगा, लेकिन आज तक छात्र छात्राओं को पूर्ण मूल्यांकन का रिजल्ट पता नहीं चला है। वहीं विभाग के द्वारा इन्हें पार्ट टू का फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं। विश्वविद्यालय में न तो कुलपति, प्रतिकुलपति और न ही रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जिस कारण छात्र छात्राएं परेशान हैं और इनका कहना है कि अगर कॉपी के पूर्ण मूल्यांकन की रिपोर्ट जल्द नहीं दी गई तो ये लोग फॉर्म नहीं भर सकेंगे और इनका साल बर्बाद हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इनकी समस्या का हल कब तक निकाल पाते हैं। हम लोग को सिर्फ फॉर्म भरने का डेट मिल जाए, फॉर्म भरने की अनुमति मिल जाए, बस और कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला है फॉर्म भरने का? फेल, यहाँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि फेल वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन हमारे HOD सर बोल रहे हैं कि नहीं, फेल वाली जो है ना फॉर्म नहीं भर सकती है। किस ईयर में है, कहाँ? PG बॉटनी से, सेकेंड सेमेस्टर का। क्या हुआ था फर्स्ट? फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का जब एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें दो यूनिट से क्वेश्चन ही नहीं था, तो जिसके वजह से, और दो घंटे बाद हम लोग के HOD सर आते हैं जहाँ पे हम लोग का सेंटर पड़ा था, वहाँ पे आते हैं, फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे कि ये दो यूनिट का, बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन दो यूनिट में ऐड कर देने के लिए, तो ऐड करने के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट तो दो उस जो सब क्वेश्चन आया था वो सब तो लिख दिया था ना, जिसके वजह से हम लोग का जो है ना ये वो सब क्वेश्चन नहीं लिखने की वजह से हम लोग फेल कर गए। फेल कर गए तो यहाँ पे हम लोग आए, VC सर से बात किया ना, तो VC सर बोले थे कि कॉपी रिचेक होगा, तो जिस अभी तक कॉपी रिचेक नहीं हुआ, हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने का डेट आ गया है। भागलपुर की पुलिस जिला नवगछिया में आगामी 18 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस महकमा ने कवायद तेज कर दी है, जिसको लेकर नवगछिया SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नवगछिया थाना से होते हुए महाराजजी चौक, मक्खतकिया स्टेशन रोड सहित नगर परिषद क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पुनः नवगछिया थाना पहुंचकर संपन्न हुआ। SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पब्लिक को अगर असामाजिक तत्व की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न बूथों और बाजार में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। SDPO ने कहा कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में 28 वार्ड हैं, जिसमें सेक्टर बनाए जाएंगे, 4 बिल्डिंग पर एक सेक्टर बनाया जाएगा जो नवगछिया SP के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। 18 तारीख को हमारे यहाँ नगर परिषद का इलेक्शन है, तो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाएंगे, कोई भी जो उपद्रवी तत्व होंगे या असामाजिक तत्व जो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे होंगे तो उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग बहुत कड़ाई से जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करवाएंगे, और आम पब्लिक जो शहरी हैं जो मतदान करना चाहते हैं वो फ्री होकर मतदान करें, उनको मतदान करवाने के लिए हम लोग हर तरह का जो है अरेंजमेंट किए हुए हैं, पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में और जहाँ नगर परिषद का क्षेत्र है हर जगह जा करके हम लोग संदेश देने का काम करेंगे कि मतदान करने में किसी तरह का बाधा नहीं होगा और किसी तरह का
जो उपद्रवी तत्व हैं उनको, उनके मंशा को हम लोग विफल कर देंगे। कितने सेक्टर में बटा गया है सर? सेक्टर तो 28 वार्ड है, तो सेक्टर है कि चार बिल्डिंग पर एक सेक्टर बनाया गया है, उसके हिसाब से आठ नौ सेक्टर बनेगा। वो SP साहब अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी उनका आदेश हमको मिल जाएगा तो बता पाएंगे कि कितना सेक्टर है, बट चार बिल्डिंग पर एक सेक्टर है। और जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसके अनुसार सभी बिल्डिंग पर उसके हिसाब से जो है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है, और हम लोग शहरी क्षेत्र में घूम करके ये क्या कितनी कंपनी आई है चुनाव को लेकर के? बाहरी कंपनी भागलपुर से आएगी, बाहरी कंपनी नहीं है, हमारे ज़िले में पर्याप्त फोर्स है, चूँकि एक ही जगह नगर परिषद का चुनाव है, तो हमारे यहाँ टोटल 30 बिल्डिंग है और 28 वार्ड है, तो बहुत ज़्यादा हेडक नहीं है, उतना फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो हमारा बल उपलब्ध है या ऑफिसर उपलब्ध है उसके 50% को यूज़ किया जाएगा, और जितना आवश्यकता होगा वो दूसरे ज़िले से मांग की गई है, तो उतना पर्याप्त मात्रा में हम लोग को बल दिया। क्या आखिर लास्ट संदेश रहेगा जनता को? भयमुक्त होकर चुनाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करें। पटेल स्मारक समिति भागलपुर के द्वारा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर कचहरी स्थित पटेल चौक पर पुष्पांजलि सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अंग क्षेत्र के नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। विशिष्ट सम्मान में भागलपुर शहर के कई क्षेत्रों में अग्रसर रहने वाले कमल जायसवाल को मनोज कुमार के द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथि के रूप में रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नंद कुमार यादव नंदू, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति समेंद्र कुमार सिंह, उद्घाटन के अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, संयोजक DP सिंह एवं आयोजक डॉक्टर मणिभूषण चौधरी मौजूद थे। संरक्षक के रूप में डॉक्टर अर्जुन कुमार सिंह और पूर्व न्यायाधीश विजय कुमार मंडल, समाज सेवी सुमन सिंह के अलावे शहर के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। आज 15 दिसंबर सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का शहादत दिवस, आज हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल चौक पर भागलपुर में एकत्रित हुए हैं। मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने सशक्त रूप से इस कार्यक्रम को संचारित किया, आप लोगों तक पहुंचाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत, और इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को भी हम लोग उनके जन्मदिन पे, और आज 15 दिसंबर के शहादत दिवस के रूप में भी उनको सम्मानित करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। और दो विशिष्ट लोग, ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्यक्रम किया, समाज के को के उत्थान के लिए कुछ काम किया, उनको सम्मानित करते हैं। आज श्री मनोज कुमार जी और श्री कमल जायसवाल जी, दो ऐसे व्यक्तित्व जो शहर के हर लोग उनसे परिचित हैं, चाहे वो पूजा समिति का कार्यक्रम हो, चाहे वो शराबबंदी का कार्यक्रम हो, या फिर जनजीवन हरियाली का कार्यक्रम हो, सब में सम्मिलित रहते हैं, सामान्य रूप से भागीदारी होती है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दर्शकों का कभी, जिन्होंने इस समय देखे सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हमें आप तक पहुँचाया, धन्यवाद। एक्यूप्रेशर थेरेपी के लिए डॉक्टर सरोज ठाकुर को इंदौर में 12 दिसंबर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान IUCN मेडिसिन अल्टरनेटिव कोलंबो श्रीलंका के VC डॉक्टर मेहर मास्टर मूस ने दिया। कार्यक्रम में PhD के चेयरमैन सुधीर खेतावत भी शामिल थे। डॉक्टर सरोज ठाकुर के यह सम्मान मिलने से पूरे भागलपुर वासियों में खुशी की लहर है। उसी बाबत आज सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत भागलपुर के कई गणमान्य लोग एवं लोजपा रामविलास की प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने डॉक्टर सरोज ठाकुर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। डॉक्टर सरोज ठाकुर ने अपनी वार्ता में लोगों से एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। साथ ही एक्यूप्रेशर से ठीक हुए मरीज रामाशीष सिंह ने बताया कि डॉक्टर सरोज ठाकुर के एक्यूप्रेशर थेरेपी के चलते मैं आज फिर से नई जिंदगी जी रहा हूं। मेरे हाथ नहीं उठते थे, एक्यूप्रेशर थेरेपी से ही मैं अपने हाथों से अब अच्छी तरह से चीजों को उठा पा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत हम सबों के लिए बहुत खास दिन है। ये एक्यूप्रेशर के लिए जो मुझे इंदौर के सरकार, वो श्रीलंका के जो वाइस चांसलर हैं मिस म्यूस, तो उनके द्वारा मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अवार्ड दिया गया, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग यहाँ आकर के जो मान बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर जो आज के लिए बहुत ही इसको वैकल्पिक चिकित्सा
में लिया जाता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है, यह एक ऐसी पद्धति है जिससे सिर्फ साध्य ही नहीं असाध्य बीमारियों का भी बहुत ही आसान तरीकों से इलाज किया जाता है, और जिससे मनुष्य अपना करके सिर्फ उस बीमारी का ही इलाज ना करके आने वाले अनंत बीमारी को भी आसानी से छुटकारा दिला जा सकता है। इसलिए इसे हर स्कूल में, कॉलेजेस में, और सामान्य गरीब हो या अमीर हो, सबके बीच में एक्यूप्रेशर पद्धति को अपनाना चाहिए। उसका उद्देश्य यह है कि जिस डॉक्टर से हमने इलाज कराया, हमको तो ये पता नहीं था कि इतने बड़े ये डॉक्टर हैं, और मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मेरा हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा था, और अभी के डेट में देखिए मेरा हाथ अप डाउन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, और इन्हीं के इलाज से ये बिना दवाई के संभव हो सका, और आज के डेट में हम समझ लीजिए कि पूर्ण रूपेण जो है मतलब रोग से छुटकारा पाते, इनको सम्मान किया गया है, और इनको सम्मानित जब किया गया है तो इसी के लिए हम लोग जो है गुलदस्ता लेके आए इनको देने के लिए कि भाई हमारे शहर के इतने बड़े डॉक्टर जो विदेश के वाइस प्रेसिडेंट ने जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है दिया गया, इसके लिए हम लोगों के गर्व का बात है कि मेरे शहर के एस ठाकुर डॉक्टर साहब को इतना बड़ा सम्मान मिला। भागलपुर के कला केंद्र में 9वां अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर रंग महोत्सव के तहत 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक के रूप में रंगराम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले कलाकारों के लिए ठहरने एवं खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। भागलपुर कला केंद्र के मंच पर जिन राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे उसमें मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावे कई अन्य राज्य के कलाकार शामिल हैं। भागलपुर रंग महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 17 दिसंबर को महोत्सव का उद्घाटन होगा, वहीं लोक नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुति होगी। 18 दिसंबर को नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की जाएगी एवं लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य नाटक प्रस्तुत होगी। वहीं 19 दिसंबर को रंग जुलूस का शहर भ्रमण कराया जाएगा, फिर नाट्य प्रस्तुति होकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण होगा। उद्देश्य है कि रंग महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो पूरे देश भर की संस्कृति जो प्रदर्शित हो रही है, उस संस्कृति को लोग देखें और देखकर सीखे कि भाई हमारी संस्कृति क्या है, और साथ ही आज वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, लगातार नीति नैतिकता खास करके युवाओं में जो मानवीय मूल्यबोध में जो गिरावट आ रही है, और जो आदमी के अंदर जो भाव का जो तरंग है वो सिमटता जा रहा है, और रंग कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो रस संचरण के माध्यम से आदमी की मनोस्थिति को बदल सकता है। किस तिथि से कब से कब तक है ये? यह रंग महोत्सव 17 से 19 दिसंबर होने जा रहा है। इस बार विशेषता यही रहेगी कि जो जिन जिन नाटकों का मंचन हो रहा है तो वैश्विक स्तर से, और खास करके जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के ऊपर केंद्रित नाटक है। जैसे पश्चिम बंगाल से दो नाटक जो आ रहा है, तो उसमें खास करके वर्तमान दौर में मीडिया की क्या भूमिका है वो उस पर है, और एक महाश्वेता देवी की कहानी को लेकर के चर्चित नाटक देश भर में हो रहा है चोली के पीछे, उसका भी मंचन होने जा रहा है। कितने जिले और कितने राज्यों से कलाकार आ रहे हैं? यहाँ लगभग 8 राज्य के कलाकार शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मणिपुर है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सब राज्य शामिल हैं। परिचय दें। मेरा नाम हुआ कपिल देव रंग, भागलपुर रंग महोत्सव कार्यक्रम निदेशक।
भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड में आज से शुरू हुई तरंग प्रतियोगिता स्थल के बाहर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 7 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए पटना से भागलपुर तक सभी अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री तक को इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने राज्य स्तर पर परीक्षा पास कर नौकरी पाई है, इसके बाद भी सरकार के द्वारा अंशकालिक इन्हें कर दिया गया है, वहीं मात्र 8,000 रुपया ही इन्हें वेतन दिया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को पूर्णकालिक नियुक्ति दी जाए और वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। इन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग भी बिहार में शराब बेचने का काम करेंगे, क्योंकि 8,000 रुपये में इनका गुजारा नहीं चलेगा, तो ग्रेजुएट होकर आखिर में क्या करेंगे, चाहे तो आत्मदाह करेंगे या फिर शराब बेचने का काम करेंगे। हम लोगों का मांग है कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और आज विगत 6-7 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है और सभी इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ग्रेजुएट हैं और बीपीएड किए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा जो परीक्षा होती है स्टेट की, वो स्टेट क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी सरकार ने जो हमारा वेतन निर्धारित किया है, बहुत ही शर्म की बात है कि केवल 8,000 निर्धारण हम लोगों का किया गया है, उसमें भी अंशकालिक हम लोगों को रख दिया गया है, जो कि सेम यही डिग्री लेकर के आज पुराने जो शिक्षक हैं उन्हें 40,000 वेतन मिल रहा है और आज हम वही डिग्री लेकर के आए हैं और हमें मात्र 8,000 वेतन दिया जा रहा है, उसमें भी 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि घर से 100-200 किलोमीटर दूर स्कूल में जा कर के अपना काम कर रहे हैं, उनको पेट्रोल का खर्च नहीं हो पा रहा है, घर वो कैसे चलाएंगे। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 2012 में जो शिक्षक को आपने भर्ती किया उन्हें आप 40,000 दे रहे हैं और आज 2019 में जो हम लोगों की बहाली हुई 22 में ज्वाइन किए हैं, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, महंगाई और घटते जा रही है कि 12 वाले को आप 40,000 दीजिएगा, 2022 में सेम डिग्री पर जो ज्वाइन किए हैं आप उनको 8,000 दे रहे हैं, ऊपर से अंशकालिक कर दिए हैं, जो कि ये बहाली सर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कोर्ट के माध्यम से आई थी और कोर्ट ने जो बहाली को करने का आदेश दिया था बिहार सरकार को उसमें शारीरिक शिक्षक को लेकर के कहा गया था, ना कि अनुदेशक को। एक तो विभाग ने वहाँ पर गलती की है कि अनुदेशक जोड़ दिया, ऊपर से अंशकालिक कर दिया है, जिसके वजह से सभी काफ़ी परेशान हैं और जो हमारी डिग्री है उस हिसाब से बस सरकार से मेरी एक ही मांग है, हमें पूर्णकालिक किया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए।